गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी ऑल इंडियन स्कार्स के साथ स्टोन ऑफ रोड क्लाइंब, मतलब ऑफ रोड चैलेंज। तो देखते हैं कौन सी कार कैसी परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पे मैं पार्ट वाइज ये वीडियो डालूंगा, तो आप लोग पार्ट वन से पार्ट थ्री तक जरूर से देखना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ही फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम स्टोन से भरा हुआ है। और उस बार तो स्टोन प्लस वाटर चैलेंज था, इस बार तो ओनली हैवी हैवी स्टोन है। तो देखते हैं हमारी कौन सी कार कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो पहले ले लेते हैं हमारी ये सुजुकी बलिनो की। तो देखते हैं सुजुकी बलिनो कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये एकदम पहले मैं स्लो स्लो में ले जाऊंगा, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करेगी स्लो स्लो में। और यहाँ पे देख सकते हैं स्लो स्लो में तो ये मतलब दो स्टेयर क्रॉस भी नहीं की, तो और ये सॉरी दो स्टेयर स्टोन को क्रॉस भी नहीं की और ये अटक गई। तो मैं एकदम थोड़ी स्पीड में लाऊंगा और देखते हैं ये हैवी स्टोन को क्रॉस कर पाएगी कि नहीं। तो मैं इसे बैक ले लेता हूँ, और यहाँ पे पूरी स्ट्रगल चल रही है हमारी सुजुकी बलिनो की। और यहाँ पे देख सकते हो स्पीड में तो थोड़ी दूर आई, लेकिन यहाँ पे पलट चुकी है। तो देखते हैं ये और आगे जा पाएगी, तो मैं इसे लेके जाऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हो पूरी ये तो लटक जा रही है हमारे स्टोन में। तो और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी तो आगे आई थी, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये आप कंफर्म अटक ही गई है। गाइस देख सकते हो पूरी लटक चुकी है आगे से ही, और इसके पीछे वाले टायर पूरे नीचे धस चुके हैं। तो ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है, तो मैं इसे पार्क कर देता हूँ और ये हमारा चैलेंज नहीं कर पाती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार में। तो देखते हैं नेक्स्ट कार बलेरो कैसी परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पे चलिए हमारी बलेरो, और इसे भी मैं थोड़ी स्पीड में ही ले जाऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हो बलेरो तो अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और ये क्या ये तो रेलिंग से भी बाहर आ रही थी, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे आके अटक चुकी है। देखते हैं ये निकल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं निकल पाती है तो इसे भी आउट करना पड़ेगा हमारे चैलेंज में। और यहाँ पे देख सकते हो ये तो निकल रही है गाइस, तो इसे जहाँ तक जा पा रही है तो मैं उसे वहाँ तक लेके जाऊँगा। और ये उसे भी देसी जी वैगन है, मतलब मेरे को लग रहा है ये हमारा चैलेंज कर लेगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुकी है। अरे 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 भाई ये तो पूरी पीछे आ गई है। अरे यार चल चल पीछे चल जा गास, अगर ये 4x4 होती ना गाइस सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसी बोलेरो की होती। और यहाँ पे देख सकते हो ये तो पूरी एकदम गंदे तरीके से अटक चुकी है। और ये क्या, अरे भाई ये तो पूरी नीचे जा चुकी है, लेकिन ये मतलब हमारा चैलेंज तो कर ही लेती। तो आप लोग कमेंट में बताइए हमारा चैलेंज की है कि नहीं, और मैं थोड़ा सा और चांस देता हूँ, अगर कर लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसे पार्क कर दूंगा साइड में। आप लोग बताना ये हमारा चैलेंज कंप्लीट की है कि नहीं, तो मैं इसे साइड में ही पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अब ये मेरे को नहीं लग रहा निकल पाएगी। तो अब लेते हैं हमारी इनोवा क्रिस्टा को। तो देखते हैं इनोवा क्रिस्टा कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये चलिए हमारी इनोवा क्रिस्टा, और ये देख सकते हो मैं एकदम स्पीड में ही लेके जा रहा हूँ। अरे 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 भाई पीछे पीछे पीछे, यस गाइस ये तो निकल रही है, मैं क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसे उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टोन को एकदम बीच से वो कर ले रही है, इसलिए इसे उतना ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा और स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। तो पहली हमारी इंडियन कार हो चुकी है जो हमारा चैलेंज कंप्लीट कर चुकी है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में। तो देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस करती है, और वो है हमारी एक्सयूवी 500। तो देखते हैं, और ये हमारी 4x4 कार है, तो ये चलिए हमारी एक्सयूवी 500 अभी तक तो एकदम अच्छी तरीके से जा रही है। और यहाँ पे इसका बम्पर लड़ा एकदम हैवी स्टोन में, और यह देख सकते हो पूरा इंक्लाइंड हो चुकी थी, लेकिन ये निकल गई, ये अच्छी बात है, और मैं इसे साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम ये अच्छे तरीके से तो निकल रही थी, और फिर से यहाँ पे अटक चुकी है। तो देखते हैं ये निकल पाएगी कि नहीं, और ये हमारा चैलेंज कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। तो ये हमारी 4x4 है, अभी तो पीछे का ही टायर घूम रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो 4x4 है तो आगे का भी टायर घूमना चाहिए। यस गाइस देखो आगे का भी टायर स्पिन कर रहा है हल्का फुल्का, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को लग रहा है ये हमारा चैलेंज कर सकती है। तो यहाँ पे मैं पूरा एकदम चांस दूंगा हमारे कार सबको। और यहाँ पे देख सकते हो आप तो एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस बची, और ये देख सकते हो ये भी हमारा चैलेंज कर चुकी है। तो दो इंडियन कार हमारा चैलेंज कर चुकी है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में, तो और वो देखते हैं कौन सी इंडियन कार होती है और वो कैसी परफॉर्मेंस करती है। तो ये हमारी ये स्कोडा रैपिड, तो देखते हैं स्कोडा रैपिड कैसी परफॉर्मेंस करती है। इसे मैं एकदम स्पीड में निकालूंगा। अरे 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 भाई कहाँ कहाँ, अरे 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 गाइस ये तो पलट गई मेरे पलट गई। इसे फिर से एक चांस देता हूँ, क्योंकि अगर वाटर में
गिरेगी तो उसे चांस नहीं मिलेगा, और ये हमारा वाटर में नहीं गिरी है क्योंकि वाटर में तो ये बंद ही हो जाएगी, तो फिर हमारा इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये तो अभी तक आगे जा ही रही है और पूरा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। और ये हमारी सेडान कार, और यहाँ पे ये अटक चुकी है, और साथ में साथ ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार, अरे गाइस ये तो पूरे गड्ढे में घुस गई है। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम आगे वाली टायर पूरी स्पिन कर रही है, अपनी कोशिश ये वो रखी है जारी, लेकिन ये हमारा चैलेंज मेरे को नहीं लग रहा कर पाएगी क्योंकि एकदम गंदे तरीके से ये आउट हो चुकी है और एकदम गंदे तरीके से ये फंस भी चुकी है हमारी स्टोन के बीच में, तो ये हमारे चैलेंज में आउट हो जाती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कार जो होगी हमारी पोलो, तो देखते हैं पोलो कैसी ये परफॉर्मेंस करती है। और ये देखो इसका तो बम्पर लड़ा, और ये भी अटक चुकी है गाइस, मेरे को लग रहा अटक गई। अरे निकल 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 जा निकल जा पोलो वॉक्स वैगन पोलो निकल जा, अरे गाइस ये तो निकल ही नहीं पा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम इसका टायर स्पिन कर रहा है, लेकिन ये हमारे चैलेंज में आउट ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कितने गंदे तरीके से ये फंस चुकी है, तो मैं इसे भी आउटसाइड पार्क कर देता हूँ। और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंडियन कार में, तो देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये हमारी टाटा हैरियर एकदम डार्क एडिशन में, तो देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस करती है। और ये चलिए हमारी टाटा हैरियर एकदम अच्छी कैसे जा रही, अरे 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 भाई अरे अरे भाई पीछे आ जा पीछे आ जा, हरियर हरियर भाई पीछे आ जा यार। अरे गाइस ये तो वाटर में गिर गई, और ये देख सकते हो वाटर में ये जाते ही बंद हो गई है, तो अब इसे स्टार्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।